Hello students, till now in chapter Human Eye and Colorful World we have studied the structure of eye, the structure of normal eye and different functions of the different parts of eye. Okay, so in that we have studied that for a normal eye, what is the far point, kitna dur tak dekh sakti hai normal eye, infinity tak dekh sakti hai, theek hai na, maine bataya tha. Or the near point kitna hai, 25 cm, paas se paas hum 25 cm tak dekh sakte hai. That all you have studied, ठीक है? अब आपको पता है डेली लाइफ में हम बहुत बार बात करते हैं कि किसी को पास का नहीं दिखता, पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते, किसी को दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते. That means their eye is defective. कुछ ना कुछ डिफेक्ट है उनकी आई में, ठीक है? कुछ ना कुछ, that may be natural, that may be due to some reasons, ठीक है? Due to some medical reasons, कुछ ना कुछ डिफेक्ट है. तो आज हमें उन डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफेक्ट्स ऑफ विजन. डिफेक्ट्स ऑफ विजन मतलब डिफेक्टिव आई हम कब बोलेंगे, कोई भी विजन डिफेक्टिव है जब उसको पास का भी ना दिखता हो, दूर का भी ना दिखता हो, ठीक है? या पास का ना दिखता हो या दूर का ना दिखता हो, ठीक है? तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन में डिफेक्टिव विजन क्या होगी? द आई और विजन विच कैन नॉट सी नियर बाय और फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज अ डिफेक्टिव विजन. वो एक क्या है? डिफेक्टिव विजन है, ठीक है? जिसको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स और फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते, ठीक है? किसी को नियर का नहीं दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता. अब बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है? हमने जो पढ़ना है टाइप ऑफ डिफेक्ट्स में हमने चार तरह के डिफेक्ट्स की बात करेंगे. फर्स्ट इज मायोपिया, ध्यान से समझना बेटा, इसमें से क्वेश्चन आता है. सेकंड इज हाइपरमेट्रोपिया. फर्स्ट इज मायोपिया, सेकंड इज हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड इज प्रेसबायोपिया. आपके लिए न्यू वर्ड्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से समझिए, सब इजीली लर्न हो जाएगा. एंड फोर्थ इज एस्टिगमेटिज्म, ठीक है? तो ये हमारे पास चार डिफेक्ट्स हैं. कौन से? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिगमेटिज्म. मायोपिया को मैं शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलता हूं, शॉर्ट साइटेडनेस, और इसको फार साइटेडनेस भी बोलता हूं, ठीक है? शॉर्ट साइटेडनेस बोलता हूं और उसको फार साइटेडनेस बोलता हूं. अभी क्या है ये सब बात करेंगे. तो सबसे पहले इन डिफेक्ट्स के हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मायोपिया की, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर मायोपिया की. मायोपिया एक तरह का ऐसे डिफेक्ट्स है जिसमें हम पास का ऑब्जेक्ट तो देख सकते हैं पर दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते, ठीक है? मायोपिया में क्या है? वी आर able to see nearby objects but cannot able to see far away objects. Nearby objects तो देख सकते हैं, उसमें हम far away objects नहीं देख सकते. इसमें myopia की बात कर रहे हैं. So, myopia में क्या है? We are able to see nearby objects clearly, but cannot see far away objects. दूर का नहीं देख पाते हैं, हम पास का देख पाते हैं. इसमें दो तीन चीज जो एग्जाम में आती है या जो हमें समझनी है वो देखते हैं हम, क्या क्या चीजें, ठीक है? जिसमें हम myopia के बारे में क्या क्या चीज क्या क्या बात कर सकते हैं. myopia के बारे में इसमें इसका myopia में क्या होता है? अब जो नॉर्मल आई थी, नॉर्मल आई में फार पॉइंट क्या था? इन्फिनिटी था, ठीक है? फार पॉइंट क्या था? इन्फिनिटी में था. और इसका फार पॉइंट क्या होगा? इन मायोपिया फार पॉइंट इज लेस देन इन्फिनिटी. इन्फिनिटी से कम होगा, दूर का नहीं देख सकते तो इन्फिनिटी तो हो ही नहीं सकता. वो तो एक नॉर्मल आई के लिए होता है, ठीक है? दूर का नहीं देख सकते, कुछ ना कुछ उससे पहले तक ही दिखेगा. तो फार पॉइंट जो है मैक्सिमम जो नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी होता था उससे थोड़ा सा पहले दिखेगा. सो इन मायोपिया फार पॉइंट इज लेस देन इंफिनिटी. दूसरी चीज जो हमने देखना होता है दैट इज कॉज ऑफ मायोपिया. मायोपिया होता क्यों है?
ठीक है, इसके दो कॉज हैं। क्या कॉज हैं? फर्स्ट इज द आईबॉल इज इलोंगेटेड, आईबॉल इंक्रीज हो जाती है। सपोज नॉर्मल आई की अगर मैं आईबॉल की बात करूं, नॉर्मल आई की आईबॉल अगर ऐसे है तो इसकी और भी ज्यादा इलोंगेट हो जाती है, ठीक है, आईबॉल और भी ज्यादा क्या हो जाती है इसकी, इलोंगेट हो जाती है, बढ़ जाती है। आईबॉल इलोंगेट होने की वजह से क्या होती है, आईबॉल इलोंगेट होने की वजह से क्या होता है, जो इमेज रेटिना पे बननी थी, पढ़ा था हमने, जो इमेज रेटिना पे बननी थी वो रेटिना पे नहीं बनती, उससे पहले बनेगी। जब कोई चीज बड़ी हो जाएगी, कोई चीज यहाँ पर टकरानी है, ठीक है, ये बड़ी होगी तो इमेज तो यहीं रहेगी ना, ठीक है, रेटिना से पहले इमेज रह जाएगी। सो आईबॉल इसमें क्या हो जाती है, इलोंगेटेड हो जाती है। और सेकेंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज स्मॉल, और इसका जो लेंस होता है, लेंस में क्या प्रॉब्लम होती है, आई लेंस में प्रॉब्लम होती है, उसका फोकल लेंथ कम हो जाता है किसी वजह से, ठीक है। जो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, दो कॉज है मायोपिया के, क्या चीज है, एक तो आईबॉल इज इलोंगेटेड एंड द फोकल लेंथ ऑफ आई क्या होती है, बहुत स्मॉल हो जाती है, और पावर इज टू हाई, फोकल लेंथ बहुत स्मॉल हो जाती है, पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, फोकल लेंथ स्मॉल होगी तो पावर ज्यादा होगी ना, आपने पढ़ा है P is equal to 1/F, ठीक है। तो ये है मायोपिया का कॉज, मायोपिया के ये दो कॉज हैं। और करेक्टनेस, इसकी करेक्टनेस कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। आप लोग स्पेक्स लगाते हैं ना, बोलते हैं इसको चश्मा लग गया, इसको दूर का नहीं दिख रहा तो इसको दूर का चश्मा लग गया, ठीक है। वो बेसिकली वो स्पेक्स में क्या होता है, स्पेक्स में कॉनकेव लेंस लगा होता है, कॉनकेव लेंस लगने से उसको और दूर का दिखेगा, अगर दूर का नहीं दिख रहा तो उसको दूर का दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जो चीज याद रखनी है, मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस, व्हाई शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस मींस ये याद करने का तरीका है, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब शॉर्ट, पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, इसलिए पास की साइट है दूर का नहीं है, ठीक है। फार पॉइंट क्या होता है, इंफिनिटी से कम होता है। मायोपिया का कॉज क्या है, मायोपिया के दो कॉज है, इसको याद रखना है बेटा, एग्जाम में आता है। मायोपिया का कॉज क्या है, दो कॉज है, कि क्या आईबॉल इज इलोंगेटेड एंड द फोकल लेंथ इज टू स्मॉल, फोकल लेंथ छोटी हो जाती है। और इसको हम करेक्ट कैसे करते हैं, वन मार्क क्वेश्चन, करेक्ट कैसे करते हैं, इसको कॉनकेव लेंस लगा के करेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब जिसको दूर का नहीं दिख रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, स्पेक्स में कॉनकेव लेंस लगाएंगे। और इंपॉर्टेंट चीज डायग्राम, हर डिफेक्ट में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया बेसिकली दोनों डिफेक्ट में डायग्राम की बात करते हैं। ये इसके डायग्राम मायोपिया के जो मैंने यहां बना रखे हैं, बहुत देर से देख रहे होंगे, मायोपिया के डायग्राम में क्या है। अब सिंपल आई क्या होती है, जिसकी इमेज रेटिना में बनती है, ठीक है। मायोपिक आई क्या होगी, मैंने बताया आईबॉल बड़ी होने से रेटिना से पहले बन जाएगी इमेज, बताया मैंने, दिस इज द आई, ये नॉर्मल जो हमारा नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस है, अंदर इंफिनिटी से रेज आ रही है, ये कन्वर्ज का होनी चाहिए थी, रेटिना पे होनी चाहिए थी नॉर्मल आई के लिए, पर आईबॉल इलोंगेट होने की वजह से, आईबॉल इलोंगेट होने की वजह से क्या होगी, रेटिना से पहले कन्वर्ज होगी, ठीक है, रेटिना से पहले बनगी, और रेटिना तो स्क्रीन है, जब रेटिना से पहले बनगी तो क्या होगा, हमारे को उतनी दूर तक मतलब नहीं दिख रहा, नॉर्मल आई नहीं है, डिफेक्ट है, तो इसको इसलिए हमने इस आई को बोला मायोपिक आई। एक तो ये डायग्राम है, ठीक है, मायोपिक आई क्या होगा, जहां इमेज रेटिना भी नहीं बन रही उससे पहले बन रही है, ठीक है। अब दूसरी चीज, नॉर्मल आई का फार पॉइंट मैंने बोला क्या होता है, इन्फिनिटी, बट मायोपिक आई का फार पॉइंट क्या होगा, कम होगा इन्फिनिटी से, कुछ होगा फार पॉइंट, ठीक है। तो अगर इस ये जो डायग्राम है, सेकेंड इज फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, इसका मतलब है अगर इमेज रेटिना पे बन रही है, सपोज इमेज रेटिना पे बन रही है तो इसका फार पॉइंट क्या है, ये इसका कुछ फार पॉइंट है, ठीक है। अगर मतलब अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज यहाँ मार्कर पड़ा है तो वो इसको क्लियरली दिख रहा है रेटिना पे, यहाँ पड़ा है तो नहीं दिखेगा, मैक्सिमम फार पॉइंट है इसका, मैक्सिमम ये यहां तक देख सकता है। अगर यहां पर मार्कर पड़ा है तो उसकी इमेज ये रेटिना पे बन रही है, अगर यहां है तो नहीं दिखेगा, मतलब यहां है इन्फिनिटी पे तो पहले बनेगा, यहां तक मैक्सिमम वो देख सकता है, यहां पर उसका फार पॉइंट है, यहां उसको रेटिना पे दिख जाएगा। तो ये क्या है, फार पॉइंट है मायोपिक आई का, जो कि इन्फिनिटी से कम होता है, इन्फिनिटी नहीं होता, इन्फिनिटी किसके लिए होता है, नॉर्मल आई के लिए, ठीक है।
थर्ड डायग्राम क्या है? अब ये तो हमारे मायोपिक आई है और उसका फार पॉइंट बता दिया, थर्ड चीज क्या है उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मैंने बताया अभी, कॉनकेव लेंस से, ठीक है? याद रखना है मायोपिया को कॉनकेव लेंस से करेक्ट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ कॉनकेव लेंस लगा दूं, एक तरह से क्या है, ये आई के आगे मैंने स्पेक्स लगाया, ठीक है, कॉनकेव लेंस लगाया, तो ये नियर पॉइंट पे जो हमारे को फार पॉइंट पे, यहाँ पर फार पॉइंट पे मार्कर सपोज पड़ा था तो रेटिना पे बन रहा था, मार्कर यहाँ रख रहा हूं, तो क्या हो रहा है बेसिकली ये रेज आ रही है, ये डायवर्ज होके यहाँ पर पहुंच के कन्वर्ज होके फिर रेटिना पे इमेज बना रही है, ठीक है, कॉनकेव लेंस की वजह से। यहाँ पर बेसिकली ये क्या है, ये और ये डायग्राम देखो, यहाँ मैंने कॉनकेव लेंस बना दिया, जब यहाँ कॉनकेव लेंस बना दूंगा तो थोड़ी सी रे डाइवर्ज होंगे फिर कन्वर्ज होके वो रेटिना पे पहुंच जाएंगे। तो कॉनकेव लेंस की मदद से ये मैंने यहाँ लिखा है कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस आप सबको पता है, इसकी शेप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, कॉनकेव लेंस की मदद से ये आई क्या होती है, मायोपिया करेक्ट होती है। सो ये जो थर्ड लिखा है मैंने, दैट इज करेक्शन फॉर मायोपिया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये डिफेक्ट, इसमें से एग्जाम में एक डिफेक्ट आएगा ही आएगा आप पे, आइदर मायोपिया आइदर हाइपरमेट्रोपिया। तो अभी हमने मायोपिया को पढ़ा, मायोपिया क्या है, मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस है, मतलब जिसमें हम पास का तो देख सकते हैं पर दूर का नहीं देख सकते, ठीक है, उसके कॉज क्या है, या तो आईबॉल इलोंगेट हो जाती है या फोकल लेंथ बहुत स्मॉल होती है, ये दो, ये टू मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। वन मार्क क्वेश्चन में क्या आएगा, मायोपिया को करेक्ट कैसे करते हैं, अगर किसी को दूर का नहीं दिख रहा तो क्या लगाएंगे, कॉनकेव लेंस। अब आप अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को आप बात करें तो उनसे पूछ सकते हैं आपको दूर का नहीं दिखता या पास का नहीं दिखता, जनरली ओल्ड एज में क्या प्रॉब्लम होती है, पास का नहीं दिखता, और जनरली यंग एज में क्या होता है लोगों को, दूर का नहीं दिखता, ठीक है। तो आप लोग जिसको भी दूर का नहीं दिखता, मतलब आपके जो स्पेक्स में लेंस लगा हुआ है वो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। और ये तीन डायग्राम याद रखने हैं बेटा, इसको जरूर बनाने आते हैं, फर्स्ट इज फॉर मायोपिया, सेकेंड इज फार पॉइंट ऑफ मायोपिया, एंड थर्ड इज द करेक्शन, एंड हाउ डू वी करेक्ट इट, वी करेक्ट इट बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। द नेक्स्ट थिंग इज, द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, वी आर एबल टू सी, उससे ऑपोजिट, मायोपिया से ऑपोजिट, वी आर एबल टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। नॉर्मल आई में आपने पढ़ा है क्या होता है, नॉर्मल आई में नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, हम कम से कम 25 सेंटीमीटर पे, अगर मेरे को मार्कर देखना जाए तो मुझे कम से कम 25 सेंटीमीटर पे आना चाहिए क्लियरली दिखने के लिए नियर पॉइंट, नॉर्मल आई के लिए, ठीक है। जो इसका नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से दूर होता है, ठीक है, मतलब अगर कोई चीज 25 सेंटीमीटर पे पड़ी हो तो वो नहीं दिखती, ठीक है। कभी देखा है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, देखा होगा अपने पेरेंट्स को अखबार पढ़ते हुए, वो अखबार कैसे करते हैं, आंखों को ऐसे छोटा करके पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है, जब मोबाइल भी ऐसे ऐसे करके देखते हैं दूर से मोबाइल, ठीक है, देखते हैं ना, कुछ एडजस्ट करते हैं, वो अपना नियर पॉइंट एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ओल्ड एज में क्या होता है, कुछ कॉजेस की वजह से डिफेक्ट आ जाता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या कॉज है हम पढ़ते हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया क्या है, इन विच वी आर एबल टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हम दूर का देख सकते हैं पर पास का नहीं देख सकते, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। तो साइटेडनेस में कैसे आता है, जैसे इसमें शॉर्ट साइटेडनेस है, इसमें क्या होगा, क्या होगा, लॉन्ग साइटेडनेस है ना, जैसे उसमें शॉर्ट साइटेडनेस था, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास की साइट है, पास का देख सकते हैं, इसमें दूर का देख सकते हैं, याद करने का तरीका है, ठीक है। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब वेयर वी कैन एबल टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या कॉज है, हाइपरमेट्रोपिया की कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया क्या कॉज है, हाइपरमेट्रोपिया की ऑपोजिट ऑफ मायोपिया क्या होता है, इसमें इससे पहले मैंने उसमें क्या लिखवाया था कि फार पॉइंट इज लेस देन इंफिनिटी, बाद में लिख पाता हूं, चलो उसको, कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, द आई बॉल इज टू शॉर्ट, आई बॉल छोटी हो जाती है, उसमें आई बॉल बड़ी हो जाती है, इसमें आई बॉल छोटी हो जाती है, छोटी होगी तो क्या होगा, इतना साइज था जैसे मैंने उसमें बताया था, इतना साइज था, इसमें क्या होगा, आई बॉल यहां पर इमेज बन रही है रेटिना पे, आई बॉल छोटी होगी, इमेज कहां होगी, रेटिना के पीछे आ गई ना, ठीक है, यहां पर इमेज, ये आई बॉल है, आई बॉल का रेटिना ही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें आई बॉल छोटी हो रही है, आई बॉल छोटी होगी, इमेज कहां रहेगी, रेटिना के पीछे,
इमेज का मनी रेटिना के पीछे, ठीक है, क्लियरली समझ आ रहा है। तो ये क्या एक तरह की हाइपरमेट्रोपिक आई है, हाइपरमेट्रोपिक आई में इमेज का मनी अगर वो चीज नियर पॉइंट पे पड़ी है, मतलब उसको अगर पास से पास जो नॉर्मल आई को 25 सेंटीमीटर पे दिखता है, अगर मैं इसको मार्कर को यहाँ रखूं 25 सेंटीमीटर पे, अगर मैं मार्कर को रखूं तो ये मेरा 25 सेंटीमीटर पे मार्कर कहाँ पर दिखेगा, इसको रेटिना पे नहीं दिखेगा, मतलब इसको 25 सेंटीमीटर पे दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना, इसको तो 25 सेंटीमीटर से पीछे रखने पे दिखेगा रेटिना पे, जब 25 सेंटीमीटर पे रखने हैं तो इमेज कम बन रही है रेटिना के पीछे, क्यों, क्योंकि आई बॉल क्या है टू शॉर्ट, और सेकंड क्या चीज है, आई बॉल छोटा या फोकल लेंथ इज टू लार्ज, फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है या आई बॉल छोटी है। फोकल लेंथ क्या होता है, लेंस से जहां पर लाइट कन्वर्ज हो रही है वहां का डिस्टेंस, दैट इज फोकल लेंथ, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, लेंस से यहां पर कन्वर्ज हो रही है, फोकल लेंथ ज्यादा है, अगर रेटिना के पास बनती तो फोकल लेंथ कम होती जो कि मायोपिक आई में थी, ठीक है। तो इसकी कॉज क्या, हाइपरमेट्रोपिया के आई बॉल शॉर्ट हो जाती है और फोकल लेंथ लार्ज हो जाती है, ठीक है, ये कॉज है। और इसमें जो मैंने चीज बताई थी उसमें फार पॉइंट लेस देन इंफिनिटी था, इसमें नियर पॉइंट ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने बताया था ना नॉर्मल आई का नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें क्या होगा, इसका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से ग्रेटर होगा, मतलब उसको 25 सेंटीमीटर पे नहीं, अगर थोड़ी उसके पीछे रखा होगा तभी दिखेगा। अब समझ आया, जब कोई मोबाइल देखते हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स या कोई अखबार पढ़ते हैं ऐसे ऐसे करके मोबाइल देखते हैं ना पीछे करके, ठीक है, वो क्यों करते हैं, वो अपना नियर पॉइंट एडजस्ट कर रहे होते हैं 25 सेंटीमीटर से पीछे कर रहे होते हैं ताकि उनकी इमेज रेटिना पे बने, ठीक है, 25 सेंटीमीटर पे नियर पॉइंट पे इमेज रेटिना पे नहीं बनती। अगर यहां मैं मार्कर रखूंगा तो इमेज इसके पीछे बन रही है, तो मुझे मार्कर कहां रखना है, थोड़ी पीछे रखना है ताकि इमेज रेटिना पे बने, थोड़ी पीछे रखना है मतलब यहां पर रखना है। डिफेक्टिव आई का नियर पॉइंट, जो हाइपरमेट्रोपिक आई है उसका नियर पॉइंट यहां है अगर, तो इमेज अब रेटिना पे बन रही है, ठीक है। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में डिफरेंस, मायोपिया में रेटिना की इधर आ रही थी इमेज, ठीक है, उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम था, अगर उसका फार पॉइंट पे रखें तो इमेज रेटिना पे बन रही थी, मतलब उसको उस फार पॉइंट तक ही दिख रहा था। इसमें अगर हम इसके डिफेक्टिव पॉइंट पे रखें जहां पर उसको दिखता है, जहां दिखता है मतलब वहीं तो इमेज रेटिना पे बन रही होगी ना, अगर उसको यहां रखें यहां तो बन ही नहीं रही थी, रेटिना से पीछे बन रही थी, ठीक है बेटा। मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम्स, ये डिफेक्ट मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो उसकी कॉजेस क्या है, दो कॉज है और एक चीज याद रखनी है, नियर पॉइंट इज ग्रेटर देन 35 सेंटीमीटर, और इसका करेक्टनेस कैसे करेक्ट होगा, करेक्टेड बाय थर्ड डायग्राम देखिए आप, करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, कैसे होगा वो, कैसे होता था कॉनकेव लेंस से, ये कैसे करेक्ट होगा याद रखना है, हाइपरमेट्रोपिया में कैसे करेक्ट होगा कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है। अब ये क्या था, ये नॉर्मल आई था तो रेटिना पे इमेज बन रही थी, अगर मैंने डिफेक्टिव आई पे बना रेटिना से पीछे इमेज बन रही थी नॉर्मल नियर पॉइंट पे, अगर मैंने डिफेक्टिव के नियर पॉइंट में रखा तो रेटिना पे इमेज बन गई, ठीक है। पर मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो नॉर्मल आई चाहिए, अपनी स्पेक्स लगाऊंगा तो मेरा वो 25 सेंटीमीटर पे दिखना चाहिए, तो मैंने स्पेक्स में क्या लगाया, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। जब मैंने कॉन्वेक्स लेंस लगाया तो ऐसे लगा, अगर यहां भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो क्या है, इमेज इसकी ये ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ कन्वर्ज होकर यहाँ पर आ रही है, ठीक है, मतलब डिफेक्टेड आई का यहाँ था, तो मेरा कॉन्वेक्स लेंस लगाने से मुझे यहाँ क्या है नॉर्मल आई का नियर पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। लाइन लगाइए ना, डॉटेड लाइन, रेड लाइन, नॉर्मल आई का नियर पॉइंट पे आ गया, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लगाने से। सो हाइपरमेट्रोपिया को और मायोपिया में क्या डिफरेंस है जल्दी से बताता हूँ। हाइपरमेट्रोपिया में जो चीज याद रखनी है उसमें आई बॉल इलोंगेट हो जाती है मायोपिया में, और फोकल लेंथ छोटी हो जाती है, इसलिए रेटिना से पहले इमेज बनती है, और उसमें इंफिनिटी से फार पॉइंट का होता है इंफिनिटी से कम होता है, ठीक है, और उसको करेक्ट कैसे करते हैं कॉनकेव लेंस से, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल है छोटी हो जाती है, इमेज पीछे ही रह जाती है बिहाइंड द रेटिना, तो हाइपरमेट्रोपिया में पूछे कि वेयर द इमेज फॉर्म्स, इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना, ठीक है, और मायोपिया में इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना। दूसरी चीज क्या है कि करेक्ट कैसे होगा, करेक्ट कैसे होगा कॉन्वेक्स लेंस से, हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस से, मायोपिया कॉनकेव लेंस से। दो तीन बार आप इसको वीडियो को देखेंगे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारे पास था हाइपरमेट्रोपिया, तो हमने अब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट थिंग इज प्रेस बायोपिया।
प्रेस बायोपिया देखते हैं, प्रेस बायोपिया में क्या है, प्रेस बायोपिया में बेसिकली क्या है कि जो आई को, जिस आई को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, प्रेसबायोपिया में क्या है, वी आर नॉट एबल टू सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स बोथ, ठीक है, जब हमें पास का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं दिखता, किसी आई को मायोपिया भी होता है और हाइपरमेट्रोपिया भी होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया, ठीक है, द आई हैविंग बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, जिस आई को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों होता है, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया, ठीक है, तो प्रेसबायोपिया को कैसे करेक्ट करते हैं, बस इतना है, ठीक है, इस चीज में आपको, इस डिफेक्ट में आपको ये डायग्राम हाइपरमेट्रोपिया का है, मैं बता चुका हूं, नो नीड ऑफ दैट, इसको इस जो डिफेक्ट में बेसिकली मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया से ही जनरली क्वेश्चन आता है, प्रेस मायोपिया पता होना चाहिए बस क्या होता है, और इसको करेक्ट कैसे करते हैं, बाय फोकल लेंस इज यूज्ड, बाय फोकल लेंस यूज्ड, जब मायोपिया भी हो गया और हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया, ठीक है, मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है, तो क्या दोनों लेंस ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तो दोनों लेंस कैसे लगाते हैं, इसमें हम कॉनकेव लेंस भी यूज करते हैं और कॉन्वेक्स लेंस भी यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस किस लिए यूज करते हैं बताइए, अब सोचिए, कॉनकेव लेंस मायोपिया को दूर करने के लिए, ठीक है, मतलब दूर का दिखे, फॉर फार अवे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस किस लिए यूज करते हैं, फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिससे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दिखें, तो उसके लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, जहां पर हम जिस भी स्पेक्स में, कहीं किसी किसी के स्पेक्स में आप देखना, स्पेक्स में ऐसे बना रहता है, अगर ये यू स्पेक्स बनाया है, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, यहाँ ऊपर अलग सा लेंस लगा होता है और नीचे डिफरेंट लेंस, ठीक है, ये ऊपर यहाँ पर डिफरेंट लेंस होता है और नीचे डिफरेंट लेंस, इसको बोलते हैं बायफोकल लेंस, बायफोकल लेंस में क्या होता है, पास का देखने के लिए क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, चश्मे को नीचे करके देखते हैं ना, नीचे करके यूं पड़ते हैं, ठीक है, तो नीचे क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस, और ऊपर क्या होगा, कॉनकेव लेंस, ठीक है, नीचे होगा कॉन्वेक्स लेंस और ऊपर होगा कॉनकेव लेंस, दैट इज कॉल्ड बाईफोकल लेंथ, जिसमें दोनों फोकल लेंथ होगी, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंथ की भी और कॉनकेव लेंथ की, ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया, द डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया, ठीक है, और जो फोर्थ डिफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एस्टिगमेटिज्म, एस्टिगमेटिज्म में क्या होता है, एस्टिगमेटिज्म में होता है जो हमारा आई का कॉर्निया है, मैंने आपको बताया था आई में सबसे ऊपर ट्रांसपेरेंट लेयर है कॉर्निया, ठीक है, वो कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, कॉर्निया का जो सरफेस है वो उतना स्फेरिकल नहीं रहता, या किसी भी किसी साइड से वो लार्जर एंगल से मुड़ जाता है, ठीक है, कुछ कॉर्निया में डिफेक्ट आ जाता है, एस्टिगमेटिज्म में क्या होता है, डिफेक्ट ड्यू टू कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया में क्या होता है, कॉर्निया में कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होता है, डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, कॉर्निया की जो सरफेस होती है वो स्फेरिकल नहीं रहती, ठीक है, सरफेस नॉट स्फेरिकल, जो कॉर्निया की सरफेस है वो स्फेरिकल नहीं रहती, तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं एस्टिगमेटिज्म, और इसमें एक और चीज होती है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं, अगर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस को देखें तो हमारे को कुछ मुड़ा हुआ दिखता है, मतलब ऐसे लाइंस दिखेंगे कुछ, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस नहीं दिखेंगी, तो जिसको यूं स्ट्रेट लाइन, डिस्टिंक्ट लाइंस, स्ट्रेट लाइन नहीं दिखती, उसको क्या प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं एस्टिगमेटिज्म, और एस्टिगमेटिज्म को सही कैसे करते हैं, ठीक है, फॉर यहां लिख रहा हूं मैं, फॉर एस्टिगमेटिज्म वी यूज, याद रखना है, सिलेंड्रिकल लेंस, कैसे लेंस यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं हम इसको, आपको इससे ज्यादा इसमें नहीं जानना क्या होता है एस्टिगमेटिज्म में, क्या होता है, कॉर्निया की लेयर स्फेरिकल नहीं रहती, ठीक है, कहीं ना कहीं से वो रप्चर हो जाती है, कहीं ना कहीं से शार्प एंगल से मुड़ जाती है, ठीक है, तो उस कॉर्निया के स्फेरिकल सरफेस ना होने की वजह से हमारे को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस इक्वल नहीं दिखती है, और उसको
हमारे को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए होता है? सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। सो हमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म पढ़ लिया। एक बार बता रहा हूँ, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए जरूरी है। मायोपिया में हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं करेक्ट करने के लिए, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस, प्रेस बायोपिया में बाइफोकल लेंस एंड एस्टिग्मेटिज्म में सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया है, एस्टिग्मेटिज्म में क्या यूज करते हैं हम? सिलेंड्रिकल लेंस। सो दिस इज द टॉपिक फॉर डिफेक्ट्स ऑफ विजन, एक विजन में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं। थैंक यू बेटा।